देख रहे पंजाब के सी टीवी, मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। अब इजराइल ने ईरान पर मिसाइल अटैक कर दिया है। लगातार ये युद्ध जो है वो हिंसक होता जा रहा है। 5 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और अब जो है इसी का जवाब दिया है इजराइल ने। इस्फहान राज्य में ईरान के परमाणु केंद्र पर यह हमला किया गया, कई उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के हमले के जवाब में ये बड़ी कार्रवाई की गई है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने ईरान पर ये बड़ा हमला किया है और बात की जाए तो ये दावा अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा किया गया है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमला किया है, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल अटैक किया है और मिसाइल अटैक के बाद ईरान में किस प्रकार का जो है किस प्रकार से आवाजाही प्रभावित हुई है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस मिसाइल अटैक की पुष्टि नहीं की है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक धमाकों के बाद ईरानी एयर स्पेस से कई फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि करीब 8 विमानों के रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, बदल दिया गया है। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान का वही प्रांत है जहां नाटांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं और यहीं पर अमेरिकी अधिकारियों ने ये बड़ा दावा किया है कि 5 दिन पहले ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया था, हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के इस हमले से किसी भी प्रकार का इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 5 दिन बाद जो है इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है, ईरान पर मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल अटैक की वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से हिंसक युद्ध छिड़ गई है। पहले बात की जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार बीते 3 से 4 महीने से लगातार वहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और उसके बाद जिस प्रकार की तस्वीरें गाजा से सामने आई थी उसको लेकर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है उसने इजराइल को लेकर आपत्ति जताई थी और इसके बाद ईरान ने ये तक की कह दिया था कि अगर इजराइल जो है गाजा पर अपना हमला बंद नहीं करता है तो हम भी इस युद्ध में भाग लेंगे, हम भी जो है इजराइल पर हमला करेंगे। और 5 दिन पहले जो है अब ईरान ने इजराइल पर हमला किया और उसी हमले का जवाब 5 दिन बाद इजराइल ने दिया है, मिसाइल अटैक किया है, कई उड़ानों को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल और ईरान के युद्ध से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। खाड़ी देशों पर, खासकर ईरान पर, तो आप देखिए मिसाइल से हमला, आप मानिए कि मतलब कई किलोमीटर तक धुआं और बारूद का ढेरी दिखाई देगा। फिलहाल ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, ईरान भी कोशिश कर रहा है कि जवाबी कार्रवाई इजराइल पर की जाए, लेकिन इजराइल इसको जवाबी कार्रवाई कर बता रहा है जो ईरान ने हमले पहले इजराइल पर किए थे। जी लेकिन रानू, सबसे बड़ी बात है कि ये जो इजराइल ने जो ईरान पर मिसाइल अटैक किया है ये दावा अमेरिकी अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक इस मिसाइल अटैक पर कोई स्पष्टीकरण, कोई पुष्टि नहीं की गई है। देखिए पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इस बात की तस्दीक को पुष्टि कर लें, भले हालांकि भले ही ऑफिशियल पुष्टि ना की गई हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है और जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दावा और मजबूत हो जाता है, दावा और गहरा जाता है। लेकिन अब ये संघर्ष किस तरीके से शुरू हुआ है, आप देखिए रविवार के शुरुआती घंटों में इजराइल पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया था, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बदला लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई और रविवार के बाद अब जो है जंग के मैदान में पूरा सब मामला तब्दील हो गया है। और ये हमला जंग क्यों शुरू हुई, सवाल ये सबसे बड़ा है। तो इसका मेन कारण ये है कि सीरिया में जो दूतावास है खासकर ईरान का, तो वहां पर बीते 1 अप्रैल को हमला किया गया था जिसमें 8 से 12 नागरिक मारे गए थे ईरान के।
तो ईरान का दावा था कि हमला इसराइल का है। जब ईरान ने ऐसे आरोप लगाए तो इसराइल ने ना तो उनका खंडन किया और ना तो कोई जवाब दिया, चुप्पी साध ली। तो चुप्पी साधने का मतलब था कि हमला इसराइल ने किया था सीरिया में ईरानी दूतावास पर। फिर ईरान ने चेतावनी दी कि हम बदला लेंगे और ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए, ड्रोन से हमला हुआ, मिसाइल से अटैक हुआ इसराइल पर, और अपनी जवाबी कार्रवाई बताया। इसराइल इधर ठंडा पड़ा, जो बाइडेन ने हस्तक्षेप किया, कई देशों ने समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुबानी जंग शुरू हो गई। फिर इसराइल ने जब आज हमला किया ताबड़तोड़ ईरान पर, तो वो भी इसको जवाबी कार्रवाई बता रहा है। फिलहाल ये जवाबी कार्रवाई समझिए या फिर आपसी खींचतान समझिए, आपसी जंग समझिए, लेकिन जो धमाके हुए हैं रिद्धि, वो जोरदार धमाकों की आवाज जो है कई किलोमीटर तक सुनी जा रही है और लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं, अलार्म बज रहा है खतरे का कि दोनों देशों के बीच भयानक जंग छिड़ गई है। क्योंकि मिसाइल, ये ड्रोन से हमला नहीं हुआ, ये मिसाइल से हमला हुआ है, वो भी परमाणु जो सैन्य है या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, खासकर उन्हीं को निशाना बनाया गया। क्योंकि इसराइल का मकसद है कि पहले सैन्य ठिकानों को तबाह करिए, उनके जितने भी सैन्य ठिकाने, गोला बारूद है, उसको सब ध्वस्त कर दीजिए ताकि वो जंग के मैदान में आ ही ना सके, पहले उनको घुटनों पर ला दीजिए। तो इसीलिए मिसाइल से सीधे हमला किया गया है, कोई ड्रोन और कोई गोलीबारी का इस्तेमाल नहीं, सीधे मिसाइल और अटैक, कई शहरों को तबाह कर दिया गया है, सैन्य परमाणुओं को निशाना बनाया गया है। और जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं फसान, जो राज्य है ईरान का, उस शहर को निशाना बनाने का मतलब ही है कि परमाणु केंद्र पर हमला करने की तैयारी में है इसराइल। तो आप सोचिए जब परमाणु केंद्र पर हमला होगा तो ब्लास्ट कितना जबरदस्त होगा और कितने आम नागरिकों की जाने जाएंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल आरानू, ये बताइए जिस तरीके से लगातार हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अब इजराइल और ईरान में जंग छिड़ गई है, दुनिया एक बार फिर से जो है तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।